आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। झारखंड की हेमंत सरकार ने उपराजधानी दुमका के लोगों को की बहुत पुरानी मांगों को मानते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ गठित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड सरकार के इस निर्णय से दुमका के लोगों के बीच खुशी व्याप्त है। बताते चले, दुमका में हाईकोर्ट बेंच के गठन की मांग काफी पुरानी है। यहां इसकी स्थापना के लिए यहां के लोगों ने, विशेषकर वकीलों ने, लंबा संघर्ष किया है। पिछली भाजपा सरकार ने भी अपने कार्यकाल में लोगों को यह आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कर दी जाएगी, परंतु भाजपा सरकार सिर्फ आश्वासन देकर ही रह गई। वर्तमान झामुमो सरकार ने बेंच की स्थापना के लिए सकारात्मक पहल शुरू कर दी है, जिससे यहां के लोगों के बीच काफी खुशी है। बेंच स्थापना के लिए वन विभाग ने सरकार को लगभग 16 एकड़ जमीन चिन्हित कर भेज दी है। आशा है कि उपराजधानी दुमका में बेंच स्थापना का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न सिर्फ दुमका के लोगों को बल्कि संथाल परगना के लोगों को सुलभ और सस्ती न्याय समय पर मिल पाएगा। इस संबंध में दुमका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है। आरपी भारत के लिए विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, हाईकोर्ट के लिए जो दिक्कतें थी उसको खत्म कर लिए। अब यहाँ पे जो हाईकोर्ट का जो बनने का रास्ता है वो प्रशस्त हो गया। तो ऐसे में आप शुरू दिनों से ही इसमें संघर्ष रखते, क्या कहेंगे सर, क्या फायदा होना है इससे? देखिए, आपने ठीक कहा कि ये हम लोग के लिए, बल्कि संस्थापना के लॉयर्स के लिए बहुत खुशी का दिन है। पहले की सरकारें भी इस तरह के कदम लेते रहे थे, और हाईकोर्ट में स्थापना के बेंच की स्थापना दुमका में हो, उपराजधानी है, कमिश्नरी टाउन है, कमिश्नर यहां बैठता है, तो ये बहुत जरूरी शुरू से समझा गया था। और जितनी सरकारें रहीं सभी अपने एजेंडा में इसको रखते थे कि हाईकोर्ट बेंच की हो, सब बोलते भी थे। फैक्ट यह है कि पिछली सरकारों ने भी कुछ कुछ किया, पिछली बार भी कैबिनेट के समय में इस तरह की बात हुई थी, लेकिन मुसीबत यह होती थी कि कानूनी सलाह नहीं लिया जाता था। वो सही ढंग से इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये सलाह लिए बिना केवल हो जाता था, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो एक्ट प्रोविजन है उसमें गवर्नर की मंजूरी जरूरी है, चीफ जस्टिस की मंजूरी जरूरी है। आपको पता होगा कि कितनी बार हम यहां गवर्नर से मिले, गवर्नर हमको बैकफेस जानने लग गई थी, हरदम जानती थी कि अभी हाईकोर्ट के बारे में से पूछेगा। एक दफा तो आप लोग पता होगा, पिछली दफा उसने कह दिया कि मैं सोच कह रही थी कि मैं आपको क्या जवाब दूंगी, इस तरह की बात थी। लेकिन ये हेमंत सरकार ने लगता है कि वो सूझबूझ से काम लिया है और ढंग से इसको उठाया है। जैसे अब आपको याद होगा कि निशिकांत दुबे जी ने, अभी जो हमारे एमपी हैं दुमका के, वो इन लोगों की पार्लियामेंट में बात उठाए थे कि दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन वहां से जवाब आया कि अभी तक राज्य सरकार का कोई प्रपोजल आया ही नहीं। तो अब बताइए कि इतने दिनों से बातचीत चल रही है लेकिन प्रपोजल नहीं गया था। हेमंत जी ने इसके बारे में देखा है कि हमने जो पढ़ा उस हिसाब से वो स्टेप ले रहे हैं कि वो प्रपोजल भेजेंगे, सेंटर में भेजेंगे, पार्लियामेंट में ये बात डिस्कस होगा और वहां पर वो डिस्कशन होगा। तो ये लीगल वे में ये मैटर उठा है, और जमीन वगैरह एक्वायर होने की जो बात है तो वो पहले से चल रहा है, वो हो ही रहा है। बेसिक मुद्दा यह था कि इस्टैब्लिशमेंट होना है, लेकिन कैसे होना है इस बात का नहीं था। अब लगता है कि हेमंत जी ने इस बात को समझा है कि कैसे होना है, और तब अकॉर्डिंगली वो स्टेप ले रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग बहुत संघर्ष किए, आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहां वकीलों ने मसाल जुलूस निकाला था, कई एक थे यहां लॉयर जो कह रहे थे कि हम लोग आत्मदाह कर लेंगे अगर नहीं होगा, तो इस तरह की बात थी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ऐसा हो जाने से समूचे संस्थापना का डेवलपमेंट होगा, गरीब लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा जितनी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि कितने लोग हैं यहां, अब वो रिजल्ट भी आया है उसमें जो रिकॉर्ड दिया है उसके मुताबिक कितने गरीब लोग हैं जो कि हाईकोर्ट नहीं जाते, जो जजमेंट हुआ उसको कंसीड करके यहीं पर रह जाता है, कितने लोग हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, कितने हजार केस वहां भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन यहां आ जाने से क्विक डिस्पोजल होगा। इसलिए हमको लगता है कि जल्दी जल्दी इसकी स्थापना हो जानी चाहिए, वहां अप्रूवल हो जाए। अब जैसे जमीन एक्वायर हो गया है, लेकिन जब हम लोग ये बात करते थे कि जमीन का बाउंड्री क्यों नहीं घेरा जा रहा है, तो
तो पता चला कि वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जमीन ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। उस बारे में यह बात हो रही है कि अभी जमीन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बात इसलिए बहुत उम्मीद है और हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ की जनता भी खुश होंगे और लॉयर्स तो है ही, जाहिर है कमाई होगी, इसके साथ साथ दुमका का पूरा डेवलपमेंट होगा, इन्फ्लो होगा लोगों का, पैसा बढ़ेगा, सब तरह से डेवलपमेंट होगा। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।